मैं हूँ सूफिया। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, जो कि मैं आपको यखनी वाली बिरयानी बनाएंगे, जिसके लिए सामान लिया है हमने 1/2 किलो चिकन, 400 ग्राम चावल, ये गोल्डन चावल है जिसे कि 2 घंटे पहले भिगोना है बनाने से। तो ये हमने 400 ग्राम चावल ले रखे हैं, इसे हमने भिगो रखा है। यखनी के सामान के लिए लेंगे प्याज 1 मीडियम साइज़ की, अदरक, 2 लहसुन की डली, नमक, तेज़पात, दालचीनी, जायफल, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, सौंफ और धनिया। ये हमारा यखनी का सामान है। तो सौंफ और धनिया को हम अपने एक कपड़े में, बारीक कपड़े में इसे डाल के इसकी एक पोटली बना लेंगे, ताकि ये हमारा बिखरे नहीं और इसका अच्छे से इसमें उबल जाए। तो हम अपना बर्तन लेंगे, इसमें हमने 3 गिलास पानी लिया है इसको उबालने के लिए। पहले हम अपना सारा सामान इसमें पानी में ऐसे ही डालेंगे, क्योंकि चिकन हमारा जल्दी गल जाता है। तो हम सौंफ और धनिया उसमें से इसका अच्छे से अर्क निकल आए, इसके लिए हम पहले इसको 10 मिनट अपना ये सामान डाल के उबालेंगे, उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। तो ये हम अपना सामान इसके अंदर सारा डाल दे रहे हैं। इसे हम 10 मिनट के लिए पहले अच्छे से, एक उबाल आने के बाद फिर गैस को कम करके इसे पहले हम 10 मिनट उबालेंगे। ये हमारा 10 मिनट के लिए यखनी का ये उबल रहा है, पानी उबल चुका है। हम ये मसाला, ये सारा इसमें जो हमने गरम मसाला डाला है, लहसुन डाला है, अदरक डाला है, प्याज डाला है, ये हम इसलिए पहले डाल के इसमें उबालते हैं चिकन बिरयानी में, क्योंकि चिकन हमारा बहुत जल्दी गल जाता है, 5 मिनट में हार्डली ये गल जाता है। तो इसमें ये सारे मसाले जो है अच्छे से टेस्ट इसका आ जाए यखनी में, इसलिए हम इसको पहले से 10 मिनट के लिए उबाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर अपना चिकन डाल देंगे, और इसको डालने के बाद इसमें हम इसे 5 मिनट के लिए और उबालेंगे, फिर हमारी यखनी तैयार है। तेज आंच कर लें अच्छे से चला के। जब आप यखनी उबालें तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डालें, ताकि ये जो है मीट के अंदर, गोश्त के अंदर अच्छे से चला जाए नमक। इसे हम 5 मिनट के लिए और उबालेंगे। ये हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। ये हमने अपने उसमें से भगोने में से चिकन अपना अलग कर लिया है, यखनी का पानी छान के अपना अलग कर लिया है। अब बिरयानी बनाने के लिए जो हम मसाला लेंगे, उसके लिए प्याज हमने 1 मीडियम साइज़ की काट रखी है, छोटी इलायची 3 लेंगे, ज़ीरा 1/2 चम्मच, काली मिर्ची पाउडर थोड़ा, थोड़ा गरम मसाला पिसा हुआ, लाल मिर्च पिसी हुई, गरम मसाला आपका वैसे ही, 2 बड़ी इलायची, इसमें 4 लौंगे ली हैं क्योंकि हमने थोड़ा यखनी में सामान गरम मसाला डाल दिया था, थोड़ी सी काली मिर्च, तेज़पात, ये आपका गरम मसाला है, और इसमें हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं, अदरक बारीक कटा हुआ, और लेमन जूस, और इसमें थोड़ा सा हम दूध डालते हैं। ये हमारे 400 ग्राम चावल और 1/2 किलो चिकन की रेसिपी है। तो ये इसमें हम 1/2 कप दूध डालेंगे, थोड़ा चावलों को सॉफ्ट करने के लिए। तो पहले हम अपना कुकर रखेंगे, आप भगोने में बनाना चाहें भगोने में बना सकते हैं, कुकर में बनाना चाहें कुकर में। इसमें सबसे पहले हम अपनी प्याज डालेंगे, प्याज इसमें गुलाबी हो जाए तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे प्याज फ्राई करके। गोल्डन चावल ऑयल थोड़ा कम देता है बासमती चावल के, तो आप अपने हिसाब से ऑयल इसमें डालें। इसमें मैंने 1.5 चम्मच डाला है ये ऑयल, बड़ा 1.5 चम्मच, बासमती चावल होता तो इसमें 2 चम्मच डालते हैं। अपने हम प्याज फ्राई करके पहले बाहर निकाल लेंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, और जो ये हमारे मसाले हैं, गरम मसाला, लाल मिर्ची, काली मिर्च, और ये हमारा अदरक और हरी मिर्ची, ये हम अपने लहसुन अदरक के पेस्ट में मिला लेंगे, और नमक। इसे हम, जब तक हमारी प्याज गुलाबी हो रही है, होने वाली है, तब
तब तक हम अपना ये मसाला इसमें रेडी कर लेंगे। ये हमने अपनी प्याज गुलाबी करके बाहर निकाली है और हमने लहसुन अदरक में अपना सारा मसाला मिला लिया है। नमक डालते वक्त आप ध्यान रखिएगा क्योंकि नमक आप यखनी में भी डाल चुके हैं, तो उसके हिसाब से नमक अपना डालिएगा। तो पहले हम इसमें छोटी इलायची डालते हैं अपने ऑयल थोड़ा इसे चलाकर, फिर ये अपना ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा हमारा थोड़ा गुलाबी हो जाए, फिर बाकी का हम अपना ये गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें अपना लहसुन अदरक का पेस्ट जो अपने जिसमें हमने सारे मसाले मिला लिए हैं, अब हम इसमें अपना ये डाल देंगे। इसमें हम अपना चिकन डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें अपने चावल डालेंगे। ये हमारा अच्छे से भुन गया है, अब हम इसके अंदर अपने चावल डाल देंगे। और अपना यखनी का पानी, ये हमारा हमने इसमें चावल डाल दिए हैं, यखनी का पानी डाल दिया है। यखनी का पानी जब हम यखनी उबाल रहे थे तब हमने इसमें 3 गिलास रखा था, जब आप इसमें चावल डालें तो इसके साथ 1 गिलास पानी और डाल दें, तो 400 ग्राम चावल में आपका 4 गिलास उसमें 4 गिलास पानी जो कि आपके गोल्डन चावल है इंडिया गेट के उसमें काफ़ी है। ये दूध हम इसको सॉफ्ट करने के लिए डालते हैं, अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें दही डाल सकते हैं, तो इससे दूध से चावल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। नींबू हम इसमें थोड़ा, चावल का कलर थोड़ा वाइट आ जाता है और ज़्यादा अच्छा लगता है और थोड़ा टेस्ट, इसके लिए थोड़ा सा ही नींबू निचोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं। पंद्रह बूंदे काफ़ी हैं इसके लिए, अब हम इसे अच्छे से चला के अपने कुकर को बंद कर देंगे और ये 1 सीटी के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए बनाइए। अगर आप इसे जल्दी खोलना चाहते हैं तो 1 सीटी के बाद आप इसे 5 मिनट बनाएं, वरना इसे 1 सीटी के बाद 3 मिनट बना के गैस ऑफ कर दें, सीटी ठंडा होने तक का इंतज़ार करें, इसके बाद खोलें। 5 मिनट के बाद हम अपने गैस ऑफ कर देंगे। इसमें आप अगर जर्दी रंग डालना चाहते हैं जो कि अच्छा लगता है बिरयानी में, तो 2 टीस्पून दूध में आप चुटकी भर ये अपना जर्दी रंग मिला लीजिए और ये हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। इसमें हम जर्दी रंग डालेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर फिर जो हमने प्याज तली है इसे आधी इसके अंदर डाल देंगे और आधी इसमें ऊपर से आप डेकोरेशन जब आप निकालें तब आप उसमें वो कर सकते हैं, डाल सकते हैं प्याज और आप थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल के 1 मिनट के लिए कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर अच्छी आ जाए। 1 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये आपकी चिकन बिरयानी रेडी है यखनी वाली, आप इसे सलाद के साथ, रायते के साथ, कबाब के साथ सर्व कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।